तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर बनाने वाले हैं एक एसी ब्लिकिंग लाइट, जो कि यहाँ इससे पहले भी हमने एक वीडियो बना के रखा है, लेकिन शायद उनको यहाँ पर समझ में नहीं आया है। तो भाई ने यहाँ पर कमेंट किया है एक वीडियो के माध्यम से कि वहाँ पर कि हमको एसी में जो है ब्लिकिंग लाइट सर्किट यहाँ पर बना के दिखाइए किस तरीका से काम करता है, क्योंकि शायद वो किसी का वीडियो देखे होंगे। तो उसमें क्या है कि उनको डीसी में दिखाया गया है, तो इनको यहाँ पर चाहिए एसी में। तो चलिए यहाँ पर एसी में बनाते हैं और बिल्कुल भी आसानी तरीका यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो शुरू कर। तो अभी देखिए, इसको बनाने के लिए आपको एक रिले यहाँ पर लेना पड़ेगा। जैसा कि रिले आप देख रहे हैं, ये मेरे पास छोटा वाला रिले है और ये 12 वोल्ट का है और 10 एम्पियर का है। अगर आप चाहते हैं कि इससे काफ़ी हम एम्पियर यानी कि आउटपुट में ज़्यादा यहाँ पर लोड दें, तो आप चाहें तो रिले यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। दूसरा कोई रिले भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, जिसका ज़्यादा एम्पियर हो, 30 एम्पियर 40 एम्पियर ले सकते हैं। तो हम सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर इस रिले का यूज कर रहे हैं। तो चलिए, जो भी यहाँ पर कंपोनेंट हम यहाँ पर यूज करेंगे वो सारा कुछ आपको डिस्प्ले में देखने के लिए मिल जाएगा। तो सभी भाई से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो यहाँ पर दिक्कत आपको ही होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कब क्या हम यहाँ पर लगा रहे हैं। वैसे ज़्यादा नहीं है, 3-4 कंपोनेंट है बस, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसका कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिले आप समझ लीजिए यहाँ पर इसका, क्योंकि सभी को यहाँ पर पता नहीं होता है। ये यहाँ पर 5 पॉइंट होता है, 5 पॉइंट में से ये दोनों तो कॉइल का होता है, ये कॉमन हो गया, ये NC हो गया, ये NO हो गया, ठीक है। इस साइड से अगर हम देख रहे हैं तो इस तरीका का यहाँ पर इसका पॉइंट आता है। तो अभी चलिए हमको करना क्या है इसको, तो इसमें सबसे पहले हमको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, कि दो यहाँ पर ट्रांजिस्टर हमको ले लेना पड़ेगा। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर एक ही नंबर है यहाँ पर, BC547 जो कि N चैनल का ट्रांजिस्टर है, NPN है। तो अभी आपको करना क्या है, दोनों में से कोई भी एक को आपको क्या करना है ना, ये जो इसका कॉइल का पॉइंट है, उस कॉइल का पॉइंट में इस तरीका से आपको ले लेना है। यानी कि इस ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पॉइंट, ये कलेक्टर होता है, बीच वाला बेस होता है, ये लास्ट वाला 3 नंबर का इमीटर होता है। तो जो कलेक्टर का पॉइंट है उसको हमको इसमें ले लेना है। इस तरीका से कुछ हमने कर लिया है। अभी क्या करना है, एक और हमको लेना है ट्रांजिस्टर, और इसको क्या करना है, इसका जो ये वाला जो बीच का पॉइंट है यानी कि जो बेस का पॉइंट है, और इसका कलेक्टर, इसका बीच का बेस का पॉइंट और इसका कलेक्टर, इस तरीका से हमको जोड़ देना है, ठीक है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। तो इस तरीके से कुछ हमने कर दिया है। अब हमको क्या करना है, एक यहाँ पर कैपेसिटर लेना है, जो कि कैपेसिटर का वैल्यू आपके यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, 25 वोल्ट हमने लिया है, 470 UF का है। तो यही कैपेसिटर आपको भी ले लेना है, और कैपेसिटर का यहाँ पर देख सकते हैं, इस साइड में नेगेटिव है और इस साइड में पॉजिटिव है। तो जिस साइड में आपका पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव साइड आपको जोड़ देना है इसमें, इसके इमीटर वाला पॉइंट पर, इसके इमीटर पे हमने जोड़ दिया है। ये थोड़ा सा लोड होने के कारण इस तरीका से यहाँ पर ये हो रहा है, खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, एक वायर का आपको इस तरीका से टुकड़ा ले लेना है, और वायर से आपको क्या करना है ना, कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो इसका नेगेटिव पॉइंट है कैपेसिटर का, ऐसे अगर आपको साफ अगर नहीं दिखता होगा तो हम दिखाने का यहाँ पर कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसको डाउन कर देते हैं ताकि यहाँ पर आपको जो है कि दिखे। अब उम्मीद है कि आपको दिखता होगा। तो यहाँ से उठा के हमने क्या किया कि ये जो रिले का पॉइंट है इसमें हम दे देना है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से साइड कर देते हैं। ये देखिए, इसके माइनस से हमने उठाया है, जो यहाँ से पॉइंट उठाया है। अब आपको एक वायर और लेना है, ये छोटा सा एक वायर का टुकड़ा और भी ले लेना है। वैसे आप बनाइएगा तो यहाँ पर एक जगह में बनाइएगा तो आपको ये वायर का टुकड़ा की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ दिखाने के लिए अलग अलग बनाते हैं, ताकि यहाँ पर आपको क्लियर जो है कि अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। तो अभी क्या करना है कि इस पॉइंट को, इस वायर को हमको इसके जो इमीटर वाला पॉइंट है इसमें हमको यहाँ पर जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर ये कैपेसिटर पर भी जोड़ सकते हैं और रिले पर भी जोड़ सकते हैं, तो कहीं पर भी आप जोड़ सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर कैपेसिटर पर ही जोड़ देते हैं, तो इसी जगह में हम यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। ये एक बार मेरा छूट चुका है, इसको अच्छे तरीके से हमको जोड़ लेना है। चलिए हमने इसको जोड़ लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, हम चलिए इस तरीके से अलग कर देते हैं। देखिए दिख रहा है आपको, तो ये इसका हुआ यहाँ पर कनेक्शन। अब आपको सिर्फ एक रजिस्टर लेना है, तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक 1K का रजिस्टर है। एक ही आपको रजिस्टर लेना है और कुछ भी लेना है, सर्किट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है।
इसको आपको क्या करना है कि आपको इस जगह में यहाँ पर जोड़ देना है जहाँ पर इसका कलेक्टर पॉइंट है, यानी कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है उस जगह पे आपको यहाँ पर जोड़ देना है। ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो सर्किट है ये बिल्कुल भी यहाँ पर कंप्लीट है। आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ये सर्किट अभी बिल्कुल कंप्लीट है। अब क्या करना है, जैसा कि भाई को यहाँ पर चाहिए था एसी में आउटपुट, तो अब यहाँ से रिले के मदद से आप चाहें तो जितना भी यहाँ पर आउटपुट ले सकते हैं, जितना एम्पियर का आपका रिले होगा उतना एम्पियर इस पर आप लोड दे सकते हैं। तो वो कैसे, चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। जैसा कि मान लीजिए मेरे पास ये एक होल्डर है और इसका एक वायर जो बीच से हमने यहाँ पर कट करके रखा है, जैसा कि हम लोग सीरीज में बनाते हैं सेम उसी तरीका से हमने कट करके रख लिया है, और ये इसका पावर प्लग है। तो अभी क्या करना है, जैसे कि ये दोनों मेरे पास वायर है, तो आपको चेक करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक वायर को यहाँ पर कॉमन कर देते हैं, जो रिले का पॉइंट है उसका एक वायर हमको यहाँ पर कॉमन कर देना है, और बाकी जो दूसरा वायर है उसको भी आपको जोड़ लेना है। तो उसके बाद आपको जो भी चीज़ चलाना होगा इसमें आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर चला सकते हैं, और एक हमको यहाँ पर एनो कर देना है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मेरे से थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है। मिस्टेक क्या हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं ये वाला वायर, ये यहाँ से उठ करके जो यहाँ गया है ये यहाँ पर गलत है। यहाँ से ये हट करके दोस्तों ये यहाँ पर आएगा रजिस्टर पर, ये वाला हमने यहाँ पर गलत कर दिया है। तो ये हमने आपको वीडियो में यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि आपसे यहाँ पर मिस्टेक ना हो। तो चलिए इसको यहाँ से हम हटा लेते हैं, और हटा करके उसको ऊपर वाला पॉइंट में हम जोड़ देते हैं जो कि रजिस्टर का पॉइंट है। तो इसको हमको हटा लेना है। ये देखिए सिर्फ एक वायर हमने हटाया है जो कि रिले का कॉइल वाला है, और इसको उठा करके हमको डायरेक्ट दे देना है यहाँ पर जो रजिस्टर वाला पॉइंट है। ठीक है, तो यही एक मिस्टेक था। आप देख सकते हैं ये वायर को यहाँ से हमने हटा करके और यहाँ पर डाल दिया, बस और कुछ भी नहीं है, बाकी सब जैसा है। तो अभी चलिए यहाँ पर हमको सप्लाई देना होगा। तो सप्लाई देने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें जो एसी है वो एसी हम यहाँ पर इनपुट करते हैं। ठीक है, ये एसी पॉइंट हम इसमें यहाँ पर इनपुट कर देते हैं। तो चलिए एसी हमने यहाँ पर दे दिया है। अब इसको यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए, सर्किट ऑपरेट करने के लिए हमको डीसी चाहिए, तो डीसी हम यहाँ पर दे देते हैं अपने पावर सप्लाई से यहाँ पर। तो आप अपने चाहे तो कोई भी चीज़ से दे सकते हैं, अडैप्टर या जो भी आपके पास हो उसके थ्रू से आप दे सकते हैं। तो ये इसका नेगेटिव है, तो नेगेटिव यहीं पर रहेगा जो कि कैपेसिटर वाला पॉइंट है, यहाँ पर नेगेटिव है। और जो रजिस्टर का जो पॉइंट है जहाँ पर हमने ये वायर जोड़ा है ये इसका पॉजिटिव रहेगा। तो चलिए यहाँ पर इसका पॉजिटिव दे देते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये जो रिले का जो पॉइंट था एनसी में दिया हुआ इसको एनओ में दिया हुआ, एनओ में से हटा करके एनसी में कर दिया है। ठीक है, ये जो हमने शुरू में यहाँ पर दिया था इसको हटा करके यहाँ पर एनसी में कर दिया है। तो चलिए इसमें हम सप्लाई देते हैं, और ये बॉल हमने चेंज कर दिया क्योंकि ब्लिकिंग में जो है कि ये एलईडी लाइट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो कैपेसिटर वगैरह रहता है वो थोड़ा सा चार्जिंग वगैरह रहता है, तो ये हाई मतलब ब्लिकिंग में तुरंत भर में जो ब्लिकिंग यहाँ पर होता है उसमें सही से यह नहीं समझ में आता है। तो चलिए ये वाला लाइट हम यहाँ पर लगा दिए हैं जो कि 100 वाट का लाइट है। तो इसमें हम पहले सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के बाद ये तो बॉल यहाँ पर जल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये सप्लाई दे दिया है, ये जल चुका है। वैसे ये सीरीज में है इसके चलते ये कम जल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट लगाएंगे काफ़ी लाइट हो जाएगा, यहाँ पर कैमरा में जाएगी दिखेगा नहीं सही से। तो चलिए यहाँ पर सप्लाई हम देते हैं सबसे पहले 12 वोल्ट, और उसके बाद देखते हैं कि ये 12 वोल्ट पे किस तरीका से काम करता है। उसके बाद जो है कि इसका वोल्टेज थोड़ा सा हम यहाँ पर बढ़ा करके देखेंगे। चलिए ये इसका नेगेटिव में नेगेटिव हो गया, जो कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट है वहाँ पर नेगेटिव दे देना है, और ये रहेगा इसका पॉजिटिव जो रजिस्टर का यहाँ पर पॉइंट है ऊपर वाला उसमें। देखिए ये लाइट जो है कि अभी भग भग होना शुरू हो गया है, ये बहुत हल्का यानी हो रहा है, 16 में हो रहा है। चलिए थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर सप्लाई से अपने बढ़ाते हैं। अब देखिए थोड़ा स्पीड यहाँ पर बढ़ चुका है, वैसे कैमरा आपको सही से नहीं दिखता होगा लेकिन ये उस तरीका का ब्लिकिंग कर रहा है। और थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, ये देखिए देखिए और बढ़ा दिया, लाइट यहाँ पर बंद करते हैं तभी शायद आपको समझ में आएगा।
देखिए अभी इसको डायरेक्ट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए अभी ये डायरेक्ट हो गया है, क्योंकि हमने ऐसे इसका पावर बिल्कुल भी कम कर दिया है। अभी चलिए फिर से इसको बढ़ाते हैं। ये देखिए ये स्पीड हो गया है, इसको नॉर्मल करते हैं फिर इस तरीके से, तो ये नॉर्मल भी हो जाता है। तो जैसा मर्जी वैसा आप इसको चला सकते हैं, जला सकते हैं। ये एक छोटा सा यहाँ पर सर्किट था जो कि इस तरीके से यहाँ पर काम करता है। और यहाँ पर क्या है ना कि ये 100 वाट बल्ब हमने इसलिए दिए ताकि यहाँ पर समझ में आ सके, क्योंकि एलईडी यहाँ पर समझ में नहीं आता। लेकिन सिंपल सा सर्किट है, इस तरीके से कुछ ये काम करता है। बाकी अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर से कीजिएगा, और जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए, क्योंकि हर तरीके का वीडियो यहाँ पर लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।